सर एनिमल फिल्म देखी आपने? बिल्कुल यार, कैसी कहानी लगी? धमाल धमाल, काफी अच्छी कहानी है और साथ ही डायलॉग हर एक चीज के मामले में काफी अच्छी कहानी लगी है। कहीं ना कहीं यार ये फिल्म भी अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो संजू के बाद ऐसी फिल्म उनकी देखने मिली है जहाँ पर वो गैंगस्टर वाइफ और गैंगस्टर लुक में देखने मिले हैं, और साथ ही इसमें के अंदर मतलब एक से एक चीजें देखने मिलती है, जैसे कि हमको बॉबी देओल भाई साहब वो तो खतरनाक लुक में थे यार। जी जी। समय मतलब वो एक्शन करते हुए नजर आते हैं भाई साहब, एकदम रक्तपात कर देते हैं समझो भाई साहब। फुल पैसा वसूल लगी, मतलब फुल पैसा वसूल है यार। साथ ही इसमें यार रणवीर कपूर जो मतलब वो साउथ इंडियन लुक पर देखने मिलते हैं, जो मतलब कुछ हाथ में हथियार लिए रहते हैं बड़े बड़े, जी जी, वो वाला लुक काफी खतरनाक है जिस समय फाइट करते हैं, वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है मतलब इस फिल्म के अंदर खास है। बस यही है कि भाई साहब इस फिल्म के अंदर थोड़ा सा वल्गैरिटी है, बाकी काफ़ी अच्छी कहानी है और कहीं ना कहीं ये फिल्म भी अच्छी खासी रिकॉर्ड बनाएगी बिल्कुल। अच्छा, बॉबी देओल काम, अनिल कपूर काम कैसा लगा? एक नंबर। देखिए मैंने बॉबी देओल को बता दिया, उनका तो काफ़ी अच्छा काम था, कहीं ना कहीं उन्होंने कम बैक कर दिया इस फिल्म से। और साथ ही अगर कहा जाए तो भाई साहब जैसे आपने बोला कि अनिल कपूर का काम, उनका भी काम काफी अच्छा लगा है। वो बाप बेटी की बाउंडिंग थोड़ा सा लास्ट में ज्यादा अच्छी लगती है, शुरुआत से तो वो एकदम विपरीत चलते हैं, लेकिन रात में जो देखने मिलती है बाउंडिंग वो काफी अच्छी लगी। और साथ ही दर्शिका मंदाना का भी काफी अच्छा काम लगा है, कहीं ना कहीं ये फिल्म भी अच्छे खासे रिकॉर्ड बनाएगी जी। 5 में से कितने स्टार देंगे? पूरे 5 देना चाहूंगा। ओके भाई, थैंक यू।